संविधान सभा में जितनी तीखी गरम बहसें भाषा के सवाल को लेकर हुई उतनी किसी और विषय पर नहीं हुई देश की राजभाषा प्रदेशों की राज्य भाषा मुख्तलिफ सूबों के बीच संपर्क की भाषा जैसे टेढ़े सवालों पर तमाम तरह के विचार थे तमाम तरह की बातें पर देश की भाषा और ख़ास करके हिंदी हिंदुस्तानी और अंग्रेजी को लेकर तो झगड़ा संविधान सभा के बनते ही शुरू हो गया था 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में ही जब प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अध्यक्षता कर रहे थे एक अजब बखेड़ा खड़ा हुआ सभापति महोदय सभापति महोदय मैं मैं चाहता हूं कि संशोधन में क्या माननीय सदस्य से ये पूछ सकता हूं कि क्या वो अंग्रेजी नहीं जानते मैं अंग्रेजी जानता हूं मगर हिंदुस्तानी में बोलना चाहता हूँ बहुतेरे सदस्य हिंदुस्तानी नहीं जानते उदाहरण के लिए श्री राजगोपालचार्य को ही ले लीजिए जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है जो लोग भारत का विधान निर्माण करने के लिए आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं है बेहतर होगा कि वो सभा छोड़कर चले जाएगा सभापति महोदय मेरा संशोधन यह है कि प्रोसीजर कमेटी अपने नियम पहले हिंदुस्तानी में बनाए no. और उसके बाद please. उसके बाद उसका अंग्रेजी में किया जाए please, please. एक भारतीय होने के नाते मैं ये अपील करता हूं कि जो इस देश को आजाद करने के लिए तुले हैं उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी भाषा में सोचना और I... बोलना चाहिए भाषा आप जो कहना चाहते थे आप कह चुके हैं देखिए पंडित जी अब मेहरबानी करके इस हाउस की इज्जत रखें और अपनी जगह पर बैठ जाइए हाउस में इज्जत रखना बहुत जरूरी है ये कोई झांसी की आम सभा नहीं है जहां जोर जोर से भाइयों और बहनों चिल्लाकर भाषण झाड़ना शुरू करते हैं समझे आइए चलिए देखिए चलिए 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 पंडित नेहरू चाहते थे कि हिंदुस्तानी देश की राजभाषा बने बरसों से महात्मा गांधी भी भारत भर में हिंदुस्तानी जबान और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे वो जानते थे कि एक दिन आज़ाद हिंदुस्तान में हमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा का सवाल सुलझाना होगा और अपनी शहादत के थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने हरिजन अखबार में इस बात पर लिखा भी था हिंदुस्तानी भाषा को ना संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाना चाहिए फारसी भरी उर्दू इसे तो दोनों का एक मीसा सा मिश्रण होना चाहिए हिंदुस्तानी में दूसरे इलाकों की बोलियों से भी शब्द लेने चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो विदेशी भाषाओं से भी हां अगर वो लफ्ज आसानी से राष्ट्रभाषा में घुल मिल सके तो इस तरह हमारी राष्ट्रभाषा को एक ऐसी शक्तिशाली जबान बनाना होगा जो सारे इंसानी विचारों को और जज्बों को बयान कर सके सिर्फ हिंदी तक या उर्दू तक अपने आप को रखना तो देश की अकल और आत्मा के साथ अपराध होगा। मार्च 1947 में ही फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की बैठक में ये तय किया गया कि हिंदुस्तानी संघ की राजभाषा और सरकारी कामकाज की भाषा होगी जिसे नागरिक अपनी पसंद से देवनागरी या फारसी लिपि में लिख सकेंगे अंग्रेजी तब तक दूसरी राजभाषा होगी जब तक संघ इसे कानूनन जरूरी समझे पर जैसे ही देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा हिंदुस्तानी जबान भी बट गई हिंदी वालों में उर्दू वालों में और क्योंकि पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था हिंदी वालों ने तो ठान लिया कि उर्दू को वो पाकिस्तान भेज ही दम लेंगे सभापति महोदय अब जबकि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो ही चुके हैं तो हम इस बात को देखना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी और उसका जो दृष्टिकोण था क्या वो वैसा का वैसा आज भी रहना चाहिए या उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए उस वक्त मैंने कहा था कि हमारी असेंबली की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए मैं आपके सामने अब ये बात पेश करूंगा कि आप कृपा करके इस पर विचार करें कि अब हमारी भाषा और उसके साथ क्या स्क्रिप्ट या लिपि होनी चाहिए मिस्टर धूलेकर मैं समझता हूं जो सवाल हमारे सामने पेश हैं आप उससे बहुत दूर चले गए हैं इस वक्त जो चीजें हमारे सामने पेश हैं उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप उस वक्त तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री आर.वी. वी धुलेकर को चुप कराकर बैठा दिया पर दो दिन बाद हुई कांग्रेस सदस्यों की एक मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया कि अब से हिंदुस्तानी नहीं हिंदी राजभाषा होगी कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया पर बात जब वोट पर आई तो 32 के मुकाबले 63 वोटों से हिंदुस्तानी हार गई और हिंदी जीत गई 27 मार्च 1948 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी फिर मिली तो अब हवा बहुत बदल चुकी थी इट सीम्स मिस्टर के मुंशी हैज सेंड अस अ रेजोल्यूशन पास्ड इन अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस मेंबर्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ अ लिंक लैंग्वेज बताइए और क्या लिखा है इस रेजोल्यूशन में वेल इट दैट द वर्ड हिंदुस्तानी शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड हिंदी इन ऑल आवर ड्राफ्ट्स पर हम ऐसा करने पर बाध्य नहीं है हमारे सामने और भी कई अनुमोदन संशोधन पड़े हैं जैसे कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी के अमेंडमेंट इन माय लीगल ओपिनियन द अमेंडमेंट्स मूव्ड बाय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सेठ गोविंद दास एंड मिस्टर ठाकुरदास भार्गव Involve matters of policy, and we must therefore refer them to the Constituent Assembly. But the resolution sent by Mr. Munshi is a matter of procedure, and this committee can take a decision about that. And what do you Dr. Ambedkar? If you ask me, I will say we cannot deny the fact that Congress has an indisputable majority. ने हिंदुस्तानी शब्द कर, अपने मसौदों में हर जगह हिंदी लिखना शुरू कर दिया ऐसे माहौल में पांच नवम्बर उन्नीस सौ अड़तालीस को जब संविधान सभा के सामने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया तो कई सदस्यों के लिए बाकी चीजों के मुकाबले भाषा का सवाल ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था महोदय मेरा मत है कि हिंदी और केवल हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है हिंदी बनाम हिंदुस्तानी का विवाद अब समाप्त हो चुका है क्योंकि संविधान की धारा निन्यानवे के अनुसार केवल दो भाषाएं हैं अंग्रेजी और हिंदी जिनमें संसद की कार्रवाई हो सकती है जहां तक दक्षिण भारत के नागरिकों और सदस्यों का सवाल है मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वर्षों तक कार्यवाही को अंग्रेजी में चलाना होगा उन पर हम जबरदस्ती कुछ लाद तो नहीं सकते मगर अंत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी और साथ में देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि हिंदी वाले अपनी संख्या शक्ति पर इतराते हुए जीत मनाने लगे पर दूसरे लोग बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कुछ ने तो भाषा के सवाल पर देश के टूट जाने की भी बात कर डाली I would, sir, convey a warning on behalf of the people of South India because there are already elements there who want separation, and it is up to us to firmly try and keep those elements down. And my friends in UP do not help in any way by repeatedly flogging their idea of Hindi imperialism. Sir,

इस शक्ल में मेरे सामने नहीं आया था मैं हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई फर्क नहीं समझता था इस सिलसिले में मुझे अपना ही पंजाबी का एक शेर याद आता है चंगा है सी अनजानिया सपना पई जब जानिया यानी जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था जानते ही झंझट में पड़ गया जबान के मुतालिक में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आइन है मैंने इसका उर्दू तर्जुमा देखा है और हिंदी के तर्जुमे के बारे में जो हिंदी के हामी हैं उन दोस्तों से बातें की हैं वो भी हिंदी के तर्जुमे से मुझे इसका मतलब नहीं समझा सके <laughs> खुद पंडित नेहरू ने जब डॉक्टर रघुवीरा का किया कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अनुवाद पढ़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा सच बात तो ये है कि इस ट्रांसलेशन का एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा है पर फिर भी हिंदी के उग्रपंथी हर मौके पर हिंदी हिंदी करने से बाजी नहीं आ रहे थे तीस जुलाई 1948 को सभा में जब बात लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों के सर्विस कंडीशंस पर चल रही थी सेठ गोविंद दास अचानक हिंदी को लेकर खड़े हुए सभापति जी इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब से हम लोग यहां आए हैं तब से राष्ट्रभाषा के संबंध में तरह तरह की बातें सुन रहे हैं कहा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा का सवाल पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा मैं चाहता हूं कि आप इन अफवाहों का खंडन करें सर

और श्री के एम मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगार को कोई ऐसा फॉर्मूला इजाद करने का काम दिया गया जिससे भाषा के सवाल पर सब संतुष्ट हो सकें इस बात से भी कई लोग चिढ़ गए थे कि इस कमेटी में हिंदी वाले क्यों नहीं हैं पर सच ये था कि इतने विरोध और विशैले माहौल में भी मुंशी अयंगार कमेटी ने इस असंभव काम को लगभग संभव कर दिखाया था मुंशी अयंगार के सुझाव बारह सितंबर को सदन में पेश किए गए वेन एनी मेंबर राइजेस टू स्पीक ऑन दिस लैंग्वेज क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट दैट ही शुड नॉट लेट फॉल अ सिंगल वर्ड और एक्सप्रेशन विच माइट हर्ट और कॉज ऑफेंस मिस्टर गोपाला स्वामी अयंगार विल move the first amendment number 65. so, opinion has not always been unanimous on this question. there was, however, one thing about which we reached a fairly unanimous conclusion, that we should select one of the languages of india as the common language of the whole of india. English <laughs> The final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years. Until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. No, 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 So I move that the official language of the union shall be Hindi in the Devnagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. No, 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 no. So. The whole world, with one or two exceptions, have adopted the international form of the Indian numerals. It is but right that we should keep in step with the whole world, or it should really be the other way. The whole world is already in step with us, who really gave these numerals to the world. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Now, sir, a few words regarding the language of the courts. Lawmaking and law interpretation require an amount of precision. And a number of expressions and words have acquired a certain definite meaning. And until we reach that stage in regard to the Hindi language, and I do not think at present Hindi language is anywhere near it, my own feeling is that English language will last in forms of bills and laws and interpretation of such laws, but not for much longer than 15 years. हिंदी के अतिरेकी इस फैसले से नाखुश थे पर अपनी मेजोरिटी से बड़े आश्वस्त भी थे वो भूल गए थे कि लोकतंत्र में संख्या शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर और अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करके ही किया जाना चाहिए भाषा का विषय पिचानवे प्रतिशत हल हो गया है महोदय और जो पांच प्रतिशत बाकी है उसमें कुछ सैद्धांतिक बातें हैं उन सिद्धांत की बातों को यदि हमारे दक्षिण भारत के माननीय सदस्य और दूसरे प्रांतों के सदस्य स्वीकार नहीं करते तो उन्हें हमें भी वैसी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हम भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और बिना किसी प्रकार की कटुता आए हम ऐसी बातों को बहुमत से निपटा लें हम हिंदी का पक्ष लेने वालों पर यह आक्षेप लगता आया है कि हम इस विषय को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखते हैं हम उर्दू से प्रेम रखते हैं मगर उर्दू भाषा ईरान और अरब की तरफ देखती रही है उर्दू भाषा केवल मुसलमानों की अकेली भाषा है यह मैं नहीं कहता मगर मैं यह अवश्य कहूंगा कि हिंदी के समर्थक सांप्रदायिक नहीं हैं, जो उर्दू का समर्थन करते हैं बेसाम्प्रदायिक हैं। यह बात सत्य है कि सेक्युलर स्टेट को हमने मान लिया है मगर हमने इसका यह अर्थ तो कभी नहीं समझा कि सेक्युलर स्टेट मानना अनेक संस्कृतियां मानना है इस देश में हजारों वर्षों से एक ही संस्कृति चली आई है और यह परंपरा अभी तक कायम है इस परंपरा को रखने के लिए और इस बात का खंडन करने के लिए कि हमारी दो संस्कृतियां हैं हम इस देश में एक भाषा एक लिपि रखना चाहते हैं yeah, yeah, yeah. और यू भाषा का सीधा साधा सवाल एक मजहबी सवाल भी बना दिया गया यू कैनोट मेक ए लैंग्वेज सुटेबल फॉर ए मॉडर्न वर्ल्ड सिंपली बाई ए legislative vote. the suitability of the language requires great thinkers, great writers, philosophers, literatures, dramatists, scientists, and many others. so i believe, without giving any offense, that hindi is a language which is in a very rudimentary condition in this respect. and i submit that besides hindi, there are other claimants, naziruddin, Ahmed sahab, sanskrit par, or sanskrit आपके विचार सुनना चाहते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर एंटिसिपेटिंग मी इफ वी हैव टू अडॉप्ट अडॉप्ट व्हाई शुड नॉट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लैंग्वेज और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए या नहीं क्योंकि आजकल संस्कृत कोई बोलता बोलता तो है नहीं यस एंड फॉर दैट सिंपल रीजन दैट इट इज इम्पार्शली डिफिकल्ट टू ऑल बंगाल के श्री नजीरुद्दीन अहमद संस्कृत के विद्वान थे और हिंदी भी जानते थे पर हिंदी ना जानने वाले दक्षिण के मेंबरान के हाल तो और नाजुक थे सर माय रेस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट टुडे हिंदी इज ओनली ए रीजनल लैंग्वेज एंड ए प्रोविंशियल लैंग्वेज एंड जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग स्पोकन बाय अबाउट टेन क्रोर्स ऑफ पीपल आउट ऑफ थर्टी टू क्रोर्स वी आर रेसिंग टू द लेवल ऑफ कॉमन लैंग्वेज आई वुड कॉल ऑल लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया एज अवर नेशनल लैंग्वेजेस यूपी से आए हिंदुस्तानी भाषी जनाब हिफजुर रहमान भी पशोपेश में थे जनाब वाला मुझे याद है और मैं भूला नहीं हूं कि जब 30 जनवरी को वो अजीम और बहुत बड़ा हादसा पेश आया जब किसी जालिम ने गांधी जी को हमसे छीन लिया उस हादसे से तकरीबन तीन रोज पहले गांधी जी से बिरला हाउस में, में मेरी बात हुई थी तब महात्मा गांधी ने मुझसे कहा था कि मुल्क में अमन हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जिस तरह आपने दिल्ली में अमन कायम करने के लिए मेरा साथ दिया है उसी तरह हिंदुस्तानी जबान के प्रचार के लिए भी हिंदुस्तान भर में कोशिश करनी होगी और इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा उस वक्त मैंने उनसे कहा था हम आपके साथ हैं लेकिन आज यहां पर हिंदी को उसी हिंदुस्तानी की जगह रखा जा रहा है और गांधी जी के और कांग्रेस के तीस साल तारीख के खिलाफ गलत कदम उठाया जा रहा है यह मालूम हुआ है कि हिंदी का मतलब उस जबान से है जो संस्कृत हो जिसमें उर्दू अरबी फारसी के अल्फाजों की जगह नए अल्फाज लाए जाए मेरे भाई सेठ गोविंद दास जी ने कहा कि उर्दू से उन्हें बहुत प्रेम है लेकिन उर्दू मुसलमानों की जबान है श्रीमान मैंने ये कभी नहीं कहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है एक खास फिरके की जबान मानकर ही आपने एतराज किया था इससे तो बाहर की चीजें ही जाहिर होती हैं मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू को मुसलमान ना ईरान से लेकर आए ना स्पेन से और ना अरब से बल्कि उर्दू हिंदू मुस्लिम की बोलचाल बाजारों मकानों और गली कूचों से वजूद में आई क्या आप नहीं जानते कि हाल ही के, के मज़हबी शायर मोहसिन काकोरी ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है वो कहते हैं सिमत काशी से चला है जानब मथुरा बादल बर्फ़ के कंधे पे लाई है सबा गंगा जल खबर उड़ती हुई आई है जहाँ में ये अभी के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल <laughs> इस शायरी में गंगा और मथुरा का जिक्र आया है और शायर ने मक्का मदीना और जमजम को काशी मथुरा और गंगा जल के रंग में दिखाया है इसलिए महात्मा जी ने ठीक फरमाया था कि अगर यूनियन की कोई आम जबान बन सकती है जो तमाम मुल्क में बोली और समझी जा सके तो वो हिंदुस्तानी ही है बहस मुबाहसे और नोक छोक का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा हिंदी के समर्थक अंग्रेजी को हटाने की पंद्रह साल की मियाद के भी सख्त खिलाफ थे उन्हें देश में हिंदी चाहिए थी और आज अभी इसी वक्त चाहिए थी कल मेरे मित्र मिस्टर हिफजुर रहमान ने एक अपील की थी उसके उत्तर में एक दो शब्द कहना चाहता हूँ महात्मा गांधी का नाम लेकर उन्होंने अपील की थी कि हम हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाए और उसे फारसी और देवनागरी लिपियों में लिखे महात्मा गांधी का नाम लेकर मैं पूछता हूँ पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को भी क्यों न स्थापित किया जाए मैं ये कहता हूँ कि कुछ हजार मुसलमानों के अतिरिक्त जो इस देश के सपूत हैं और जो अब भी हमारे साथ हैं अन्य सभी मुसलमान हमारे साथ नहीं रहे वे इस देश को अपना देश नहीं मानते थे इसी कारण इसी कारण वे पृथक होना चाहते थे मैं यह कहता हूं कि मैंने कल जो सुना वह सांप्रदायिक आधार को मानकर कहा गया था मौलाना आजाद और किदवाई साहब समान हमारे कुछ मित्रों को छोड़कर yeah, हम हाउ तुक क्या है ऑनरेबल मेंबर अब अगर अपनी बात खत्म कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा आपने बहुत अनापसना शनाप बातें की हैं और हाउस अब आपको और सुनने के मूड में नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी अंकों के साथ हिंदी भाषा को सीधे सीधे, सीधे स्वीकार किया जाए क्योंकि कोई भी और भाषा भारत की राजभाषा हो ही नहीं सकती सर बिफोर दिस अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी वॉज प्रिसिपिटेटेड i took it as axiomatic that hindi would be accepted as the national language of this country at that time i would have accepted hindi in the devnagri script as our national language but today i have moved away from that i say with no offence those friends who have been ardent if not fanatical supporters of hindi have done Hindi a greater disservice than others by their intransigence. By their intolerance, they have created an attitude of resistance to something which should have been naturally accepted as our national language. I have given this amendment of Hindi in the Roman script because I feel, looking at it objectively, Looking at it with the greater interests of the country, we must accept the Roman script. But as I say, it will require courage and vision. It will require a need to resist reactionary sentiments and forces. मैं सेठ गोविंद जी की तवज्जो उन्हीं की तकरीर की तरफ दिलाना चाहता हूं। सन उन्नीस की बजट स्पीच में इन्होंने यह कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपनी तकरीर हिंदुस्तानी में नहीं कर सकता सन उन्नीस में इनकी जबान हिंदुस्तानी थी जो आज देवनागरी रसमुल खत में हिंदी हो गई इसका कोई जवाब है इनके पास इसकी वजह यह है कि उन्नीस के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी नेशनल जबान उर्दू होने का ऐलान किया मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब यहां की जबान हिंदुस्तानी है तो उर्दू के बारे में इतनी नफरत क्यों जाहिर की जाती है अपनी मेजॉरिटी के जरिए आप इसको एकदम खत्म और बंद क्यों कर देना चाहते हैं यह कौन कहता है यह रेजोल्यूशन कहता है तू तू मैं मैं सिर्फ भाषा को लेकर ही नहीं थी संख्याओं के नौ चिन्ह यानी एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ भी संविधान सभा में एक लंबी बहस का बायस बन गए थे। कुल नौ चिन्हों के सवाल पे ऐसा लगने लगा कि देश के इश्यू इज वेदर शुड बी ऑफ इंटरनेशनल फॉर्म और देवनागरी फॉर्म क्रोर्स ऑफ आर साउथ इंडियन दैट ऑन दिस पॉइंट मदर टंगी

दूसरी जबानों के ऊपर तरजीह नहीं दी जा सकती सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्पोक इलोक्वेंटली दैट अ डे माइट कम वेन ऑल ऑफ इंडिया शेल हैव वन लैंग्वेज एंड वन लैंग्वेज ओनली फ्रेंकली स्पीकिंग आई डू नॉट शेय दैट व्यू इफ इट इज क्लेम्ड बाई एनी वन दैट बाय पासिंग एन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन लैंग्वेज इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाई ऑल By a process of coercion, I say, Sir, that will not be possible to achieve. <laughs> Unity and diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent. You will not call it provincial if I say that I am proud of my own language. It is a language that has been enriched by many noble writers for centuries past. It is the language of Vande Matram, the language of our national poet, Rabindranath Tagore. It is the language of India. That is your language. I am sure that the languages of my friends from the South and the West, of which they are so proud, also have great records which must be safeguarded and protected in ample measure. Much has been made about the numerals. We are having a minor war over numerals. The continuance of the international numerals. Which have come back to the country of their birth in somewhat modified form is vitally necessary for our own interest. You have got your statistics, scientific work, commercial undertakings, bank accounts, audits. You have so many other things in respect of which the use of international numerals is necessary. All that we have recommended. ज एक्सेप्टेंस ऑफ अच्छी गैर हिंदी भाषी लोग सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि संख्याओं को से लिखने की दी पर कुछ लोग इतनी छूट देने के लिए भी तैयार नहीं थे वॉट इज ऑल दिस नॉन सेंस अबाउट हिंदी न्यूमर आई से मे आई टेल यू सर दट दीज इंटरनेशनल न्यूमर आर ओल्ड than the numerals you so fondly hug today question there is no question of questioning that it is a fact it is not a matter of fact you may say what you like i have my own opinion your opinion is not what matters dr subrayan it is a fact and not an opinion yours is an opinion with which you want to change the fact it has been said so in encyclopedia britannica I will read it, Mr. Sharma, for your edification. Say it for your enlightenment. <laughs> I am enlightened enough. One, four, and six are found in the Ashoka inscriptions of the third century BC, long before your numerals were thought of. Two, four, six, seven, nine appear in the Nanagat inscriptions. A century later. Is Nanagar situated in Europe? <laughs> That's why I say these are our numerals, which you do not want to accept. I am only proving that these numerals originated in India and nowhere else. Two, three, four, five, six, seven, and nine in the Nashik cave of the first and second century. Of our era. Have you seen these caves in Nasik? I am not going to enter into an argument. We from the south, wanting a national language, wanting to be in tune with all of you from north of India, agreed to swallow 95% of what you wanted. And yet, you want the balance 5% also? Because we believe in the Tamil proverb a hare has three legs. If I tell you what happened to me, you will understand my anxiety. For three whole months, for every morning when I got out of my house, I heard nothing but the cries of, Let Hindi die! And 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 let 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 Tamil live. die. 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 भाषा के टेढ़े सवाल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिंता थी कि हम भारत की एकता को आगे रखते हुए कैसे अपनी अनेकता को भी कायम रखें असली चुनौती यही है लैंग्वेज Is a most intimate thing. It is perhaps the most important thing which society has evolved, out of which other things have taken growth. It is a unifying factor and it is also a factor promoting disunity. It is an integrating factor and it is a disintegrating factor as between two languages. As indeed between two countries. A very wise man, the father of our nation, Mahatma Gandhi, taught us that while English is a great language, we cannot go far or take our people by the million in a foreign language. We have to think in doing our national work in our own various languages and more particularly. In the language you may choose for all India use. This language should represent the composite culture of India. Therefore, he used the word Hindustani. Is your approach going to be democratic or is it going to be authoritarian? Because in some of the speeches that I have listened to here, there is very much a tone of authoritarianism. Very much a tone of the Hindi-speaking areas being the centre of things in India, the centre of gravity, and others being just the fringes of India. This is not only an incorrect approach, but it is a dangerous approach. Sir, in Hindi ke mein Dakshin Bharat mein ek महात्मा गांधी के कहने पे हम सब ने पूरे जोश में दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया परंतु इस सब का नतीजा क्या निकला सर हिंदी के हक में जो प्रपोगंडा ऊंची आवाज़ में हो रहा है वो इतना अति और भ्रष्ट हो चुका है कि उसके कारण मुझ जैसे लोग जो हिंदी जानते भी है और हिंदी के पक्ष में भी है अब हिंदी के विरोध में जा रहे हैं सर सर, इनका कहना है कि जब तक इस देश में एक भाषा नहीं लागू की जाएगी तब तक न यहां एकता होगी न एक संस्कृति मैं आपको यहां आगाह कर देना चाहता हूं कि एक भाषा एक संस्कृति का नारा बड़ा ही खतरनाक नारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक भी एक देश एक संस्कृति की दुहाई देते हैं मगर महोदय है, आज इस बात का अर्थ सिर्फ इतना है कि बहुत से लोगों पर केवल कुछ लोगों की मर्जी का वर्चस्व चलेगा मुझे लगता है कि मेरे मित्र ख्याली दुश्मनों के वार के खिलाफ तलवार भांज रहे हैं सर द डायरेक्टिव सेज टू प्रमोट हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया नॉट द प्रेजेंट हाई फ्लोन संस्क्रिटाइज हिंदी विच इज अंडरस्टूड बाई पंडित सोनली As as far as international numerals are concerned, let no member feel that he is giving something and we are accepting something. We are not beggars in this house. ये किसने कहा मेरी ऑनरेबल से दरख्वास्त है कि वो अपने गुस्से पर काबू रखें महोदय मुझे इस आरोप पे सख्त आपत्ति है और ये लांचन पूरी तरह से फर्जी है श्री शंकर राव देव अपने आप ही पहले तो दानव खड़े कर रहे हैं और फिर आप ही उन पर तलवार चला रहे हैं। फिर भी ये कोई वजह नहीं हुई सो इमेजनरी एंड इफ इट सो एंग्री वेरी फैक्ट दैट ही इज एंग्री एंड ही क्विक हर जबान का अपना मसला था अपने डर थे अपनी समस्याएं थीं। बंटवारे के बाद सुबह पंजाब और पंजाबी जबान की भी अपनी मुश्किलें थीं सर आई एम वन ऑफ दोज हु हैव विद्रॉन देअ सपोर्ट फ्रॉम हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट सिंपली बिकॉज ऑफ द फेनेटिसिज्म एंड इन ऑफ दोज हु सपोर्ट इट इफ इट इज लिफ्ट स्टेट्स आई एम टॉकिंग ऑफ द पंजाब पर्टिकुलरली टू चूज एनी लैंग्वेज द डेंजर इज दैट द मेजोरिटी ऑफ अ सेक्शन ऑफ अवर पीपल Who deny that Punjabi is their mother tongue might adopt Hindi, which is not their main language, as the official language of the state. My fear is that Punjabi would not have its own status if it is left to the state legislature. When the Sikh community wanted that the Punjabi language might be considered as the official language of Punjab, the result was that the Hindus said it was no language at all.

So I feel that I would not be discharging my duties properly if I didn't plead to the House that in Schedule 7A, some of the Adivasi languages, which are spoken not just by a few but literally by millions, should also be included. These languages are Mundari, Gondi, and Oraon. Sir, so all I plead to this House is simply this.

अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारी वतन की जबान तमाम मुल्क तमाम कौम की जबान हो तो इसके सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें और अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी जबान की तालीम बढ़ाने की कोशिश करें अब एक मुल्क के कौम की जिंदगी में पंद्रह बरस की मुद्दत कौन सी बड़ी मुद्दत हुई ये तो पंद्रह दिन से भी ज्यादा नहीं जहां तक जबान का ताल्लुक है तो आमतौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए तीन नाम पैदा हो गए हैं उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी अपने वसीद आमन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है उसमें हिंदी भी आ सकती है उसमें उर्दू भी आ सकती है और इसके सिवाय एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है हिंदुस्तानी किसी भी अंसर को खारिज नहीं करती बल्कि बल्कि हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है इल्मी जबाने इस तरह नहीं बना करती जिस तरह बनावटी उसूलों और पाबंदियों के जरिए एक चीज बनाई जाती है जबाने बनाई नहीं जाती जबाने खुद ब खुद बनने लगती हैं जबाने ढाली नहीं जा सकती बल्कि खुद ब खुद ढलने लगती हैं आप लोग जबानों पर बनावटी ऊसूलों और पाबंदियों के कुफल लगा सकते लेकिन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो काले वो कुफ लगेंगे नहीं बल्कि खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर पड़ेंगे जबान का कानून आप सब की पकड़ से बाहर है हर चीज के लिए कानून बनाया जा सकता है लेकिन जबानों की कुदरती चाल के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती है जबाने खुद ब खुद अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लेती हैं और फिर उसी रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकती हैं खुद गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का इसी राय पर अमल रहा और जब कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में यह बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई तो मैंने कुदरती तौर पर इसी राय पर जोर दिया मुझे तो कम अज कम कांग्रेस के पुराने साथी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे गांधी जी के सिद्धांतों पर जमे रहेंगे लेकिन अफसोस मैं अपनी ये बात आप सब से छुपा नहीं सकता कि मुझे बेहद मायूसी हुई ये देख करके चंद गिनी हुए कदमों के सिवा बाकी तमाम कदम अपनी जगह से हिल गए थे बिलाखिर ये मामला ड्राफ्टिंग कमिटी के सपोर्ट कर दिए गया और उस कमेटी से दरखास्त कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से का एक नया मसवदा तैयार किया जाए और फिर पेश किया जाए और इस कमेटी में कुछ नए मेम्बरान भी बिठाए गए उनमें से एक मैं था इस कमिटी के पहले इजलास में भी मैं शरीक रहा लेकिन वहां मैंने यह देखा कि अक्सरियत पहले से ही एक खास राय पर जमी हुई थी और किसी भी तरह से इस बात के लिए राजी नहीं थी कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया जाए या फिर हिंदी की तशरी करके उसके मफूम एक नया फैलाव पैदा किया जाए इस सूरत हाल में मैंने महसूस किया कि मेरा वहां रहना तकरीबन बेकार है इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस कमेटी से अलग हुआ मुझे यह देखकर सख्त मायूसी हुई कि इस तरफ से लेकर उस तरफ यानी कि हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है तंग ख्याली का मतलब समझे आपरो माइंडेडनेस यानी कि दिमाग का छोटा और सिमटा हुआ होना और हर तरह से फैलाव और ऊंचाई से इनकार करना मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तंग दिमाग लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम हरगिज नहीं बन पाएंगे हिंदुस्तानी के खिलाफ जो भी कुछ कहा गया उसमें से इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया गया तो उसमें उसमें उर्दू के लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा हुई तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी कौन सी कयामत टूट पड़ेगी मेरे दोस्त मुझसे नाराज ना होंगे अगर मैं ये भी कहूं कि इस तंग ख्याली का दूसरा मंजर मैंने आदात यानी कि न्यूमरल की बहस में भी देखा था दरअसल दे ज़बान का यह मसला जिस तरह से हल होना चाहिए था उस तरह से हल नहीं हुआ मैंने कोशिश की मेरे चंद दोस्तों ने कोशिश की लेकिन फिर हमने ये महसूस किया कि मौजूदा हवा में इससे ज्यादा लचक पैदा नहीं हो सकती है जिस कदर मिस्टर यंगार की तरमीम में पैदा हो गई है लाए उस को इल्तिजा करके टूटा खुदा खुदा करके मौलाना आजाद के ओजस्वी भाषण के बाद शायद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी मगर हिंदी का सरकारी शब्दकोश बनाने और संविधान का हिंदी अनुवाद करने वाले डॉक्टर रघुवीरा कैसे चुप रह जाते अध्यक्ष महोदय आदरणीय मौलाना साहब हमारे सामने नामकरण का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं यानी हिंदी या हिंदुस्तानी और अब तो हिंदी और उर्दू को लेकर भी बड़ा मतान्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है असल में शुरुआत में हिंदी और उर्दू के बीच कोई विशेष अंतर था ही नहीं किंतु 19वीं शताब्दी में उर्दू अदीपों ने कसम उठाकर यह नियम बना लिया कि वो एक भी शब्द एक भी शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे जो भारतीय मूल से आया हो और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में 19वीं शताब्दी में ही हिंदी लेखन भी पनपने लगा जो भारतीय परंपराओं से जन्मा साहित्य था परंतु धीरे धीरे यह अंतर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि आज हमारी भाषाओं में दो साहित्य मौजूद हैं जो एक ही आधार से आरंभ होकर आज अलग अलग दिशाएं ले चुके हैं पर आज समस्या केवल हिंदी और उर्दू के बीच बढ़ती खाई को पाटने की नहीं है बल्कि आज आज तो हमें एक ऐसी भाषा को खोजना है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सारी भाषाओं की सेवा कर सके और यह काम केवल और केवल हिंदी अभी बात को खत्म करने में अभी और कितना वक्त लगेगा आपको सर लगभग आधे घंटे का समय नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता द हाउस शेल मीट एट फाइव ओ क्लॉक सभा शाम तक के लिए स्थगित कर दी गई और उधर कांग्रेस के सदस्यों की एक जोरदार मीटिंग हुई जहाँ बहुत गिले शिकवे शिकायतों गर्मा गर्मी और झड़पों के बाद हिंदी को लेकर गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता हो ही गया हिंदी वालों ने अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं या इंटरनेशनल न्यूमरल्स को हटाने की अपनी जिद छोड़ दी और ये भी मान लिया कि पंद्रह सालों तक अंग्रेजी को समान स्थान मिले और जब शाम को संविधान सभा दोबारा बैठी तो हमारी राजभाषा को लेकर प्रस्ताव पास हो गया संविधान सभा ने शायद सबसे मुश्किल सवाल का हल ढूंढ ही लिया था आई थिंक वी हैव एडॉप्टेड अ चैप्टर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच विल हैव वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसिज इन बिल्डिंग अप द कंट्री एज ए होल वी वॉन्टेड आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द साउथ टू एक्सेप्ट हिंदी एंड दे एक्सेप्टेड इट एंड वी वॉन्टेड देम टू एक्सेप्ट द देवनागरी स्क्रिप्ट And they have accepted it. They want us to accept a different form of numerals. And why should there be any difficulty in accepting it? We have done the wisest thing possible. And I am glad, I am happy, and I hope posterity will bless us for this.